एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी की शादी की रस्में शुरू हो चुकी हैं। सीट कियारा की संगीत सेरेमनी के लिए जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस को लाल लाइटों से सजाया गया। पैलेस से जश्न में गाने बजाने की आवाज साफ तौर पर सुनी जा सकती है, जिसका वीडियो खूब वायरल है। सिद्धार्थ कियारा की शादी में शामिल होने के लिए इनके करीबी लोग सूर्यगढ़ पैलेस पहुंच चुके हैं। कपल आज यानी 7 फरवरी को शादी के बंधन में बंध जाएंगे। जाने माने डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने सिड कियारा की शादी के कपड़े तैयार किए हैं। सिद्धार्थ और कियारा को फिल्म शेरशाह के दौरान प्यार हुआ था और अब दोनों जैसलमेर के सूर्यगढ़ पैलेस में शादी करने जा रहे हैं। ये आलिशान महल शाही शादी के लिए परफेक्ट माना जाता है। महल को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इंडियन रेलवे ने 7 फरवरी यानी मंगलवार को करीब यूपी, बिहार, नई दिल्ली, हरियाणा, कोलकाता, गुजरात, पंजाब और चेन्नई की 343 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.gov.in के मुताबिक 17 गाड़ियों को रीशेड्यूल किया गया तो वहीं 28 ट्रेनों को डाइवर्ट कर दिया गया, जबकि 45 ट्रेनों के सोर्स स्टेशन में बदलाव किया गया है। ऐसे में अगर आपने भी अपना रिजर्वेशन करा रखा है तो घर से निकलने से पहले रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 के जरिए ट्रेनों से जुड़े अपडेट्स ले सकते हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप धोखाधड़ी और हेराफेरी के आरोपों से घिरा है। इस बीच अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर के लिए नए नतीजों का ऐलान किया, जिसमें बीते साल के मुकाबले 73% का उछाल दर्ज किया गया। अडानी ट्रांसमिशन का मुनाफा 478.15 करोड़ रुपए रहा, जो 2021-22 की तीसरी तिमाही में 283.75 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी ने अपने बयान में कहा कि नए ट्रांसमिशन लाइन्स के कमीशन होने के चलते कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल लगातार जारी है। ब्रेंट क्रूड का भाव बढ़कर $81.40 प्रति बैरल हो गया, वहीं WTI क्रूड भी $74.54 प्रति बैरल पर पहुंच गया। हालांकि इसका असर ये रहा कि मंगलवार को तेल कंपनियों की ओर से जारी पेट्रोल डीजल के दामों में मामूली अंतर दिखा। यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिले में मंगलवार को पेट्रोल 13 पैसे और डीजल 12 पैसे हो गया, वहीं बिहार की राजधानी पटना में पेट्रोल और डीजल 6-6 पैसे महंगा हुआ। हालांकि देश के चारों महानगरों में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है।